डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 मैथ्स का देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ने में मैथ्स में सबसे जरूरी काम होता है सवाल को अच्छे से पढ़ना। 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, 3.14159265358 9 ऐसे करके 50 दशमलव दे दिया। आपको कि सिर्फ पाई तो 22/7 होती है, तो बेटा ये 22/7 हम मानते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि पाई का मान 22/7 मान लिया जाए। 22/7 नहीं होता है क्योंकि ये तो परिमेय संख्या हो गई, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है, यानी पाई के जो दशमलव हैं उनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती है कि हम संख्या को पुनरावृत्ति कर सके। आप लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनके दशमलव पुनरावर्ती नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा 1.33333333, इनमें 3 दशमलव बार हो रहा है, या 1.373737 ऐसी कोई संख्या है, इसका मतलब दशमलव पुनरावर्ती हो रहा है, परंतु इनमें पुनरावर्ती नहीं होती है। तो हमारे पास दशमलव के 50 स्थान तक हमें संख्या पता है। अब ये कहता है, सवाल क्या था, हम दूसरी जगह पटक गए कि दशमलव बिंदु के आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का बारंबारता बंटन बनाइए, यानी हमें दशमलव स्थान का बारंबारता बंटन बनाना है। और फिर ये कहा कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं, यानी सबसे ज्यादा अंक कौन आ रहा है और सबसे कम अंक कौन आ रहा है। अब देखो, दशमलव बिंदु के बाद यानी यहां से संख्या लेनी है, 3 को नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और अब अपन काम शुरू करते हैं। फिर टैली चिन्ह, क्योंकि देखो 50 है, 50 का केस कभी भी आप मिलान चिन्ह से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5 ये यहां तक खेल रहा हूं। देखो बेटा, ध्यान रखना बीच बीच में 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8 जब जब खत्म हो जाए 4, 6, 2, 6, 4, 3 और फिर 3 यहां पे हमारा एक फिर लाइन कीजिए, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाए आप, ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। 8, फिर 3, 2, 8, 3, फिर 2 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया। अब देखो 4 हो चुके हैं, तो 2 पांचवी बार आ गया, तो यहां पे हम डंडे खींच देते हैं। फिर 8 और फिर 8 आया, फिर 4, 1, 9 अब 9 देखो 4 हो चुके हैं, पांचवी बार आया, फिर 7, फिर 1, 6, 9, 3, फिर 2 बार 9 आया, फिर 3, फिर 7, फिर 5 और 5 ये पांचवी बार आया, 1 में फिर पांचवी बार आया और 0 में 1 आया। ये छोटा सा काम हमने किया। देखो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है इसको करने में, कोई तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। सावधानी करना है और जैसे जैसे आपके होते जाए 5, 7 जो भी आपको लगे हैं यहां तक हो गया, वहां डंडी खींच दो ताकि आपको पता पड़ जाए कि यहां खत्म हो गया। देखो ये नहीं लेना है, क्योंकि हमें दशमलव स्थान के बाद वाली संख्या के लिए बोला गया, इधर नहीं बोला है। अब हम बारंबारता निकाल देते हैं, ये 2, ये 5, ये 5, ये 5 और 3 8, ये 4, ये 5, ये 4, ये 4, ये 5 और ये 5 और 3 8। अच्छा, अब हमको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि इनको जोड़ना है। तो 2, 5, 7, 5, 12, 8, 20, 24, 29, 33, 37, 42 और 8, 50 कितनी संख्या निकाल की थी, 50। चेक हो गया, ठीक है, भी गलती की संभावना कम हो गई।
अगर यहाँ 49 आते तो हमें ध्यान से देखना पड़ता कि कहीं हमने चूक तो नहीं की। तो ये टेलीकॉम जो मिलान चिन्ह का काम है वो बहुत सावधानी से होगा, नहीं तो गलती हो गई तो सारा बंटा धार वापस करो। तो एक बार भले 10 सेकंड ज्यादा लगा देना पर गलती ना करना। अच्छा, अभी हमारा हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट कहता है, हमसे दो सवाल पूछे गए थे कि भैया सबसे अधिक बार और सबसे कम बार अंक कौन सी बार आया। तो अब हम वापस फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा और कौन संख्या। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, 8, और 8 दो बार आ रही है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, ये आ रही है, और ये क्या है, 0। ये 3 है, ये 9 है। तो मैं कहूंगा कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई, तो मैं कहूंगा 3 और 9 आई, और कितनी बार आई, 8 बार आई। और सबसे कम कौन आया, मैं कहूंगा 0 आया। कितनी बार आया, 2 बार आया। ये हमसे नहीं पूछा कितनी बार आया, हमने ऐसे ही लिख दिया, परंतु हमने पूछा गया सबसे अधिक बार, तो मैंने कहा 3 और 9 अंक सबसे अधिक बार आए, 8 बार आए। और सबसे कम कौन आया, कि 0 आया। 0 कितनी बार आया, कि 2 बार आया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रश्न था, लेंदी था, गलती होने की संभावना है ज्यादा बेटा। ये कोई सवाल मुश्किल नहीं है, परंतु ऐसी संख्या मिलान चिन्ह बनाने में हमसे गलतियां हो जाती है, वो ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। अब अगला सवाल अगले वीडियो में। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको क्लासेस रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।